بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کے پیغمبر محمد کی اور سے بیزنطیم کے شہنشاہ ہورا کرس کو، وہ جو رائج کی سیکھوں کو مانتا ہے، اس کو مبارک بات. میں آپ سے خدا کی پکار سننے کو کہتا ہوں. میں لوگوں کے لیے خدا کا پیغمبر ہوں. اپنی نجات کے لیے اسلام کو قبول کیجئے. یہ عرب کے ایک نئے پیغمبر کی بات کر رہا ہے. کیا کچھ اسی طرح بیپٹسٹ جان ریگستان سے نکل کر نجات کا شور کرتا ہوا بادشاہ ہیرود کے پاس آیا تھا؟ الیگزینڈریا کے شاسک مکاکس کو فارس کے شہنشاہ کسرا، خدا کی پکار پر محمد آپ سے کہتے ہیں، اپنی مکتی کے لیے اسلام کو قبول کیجئے، اسے اپنا لیجئے. تم ریگستان سے نکل کر اونٹ اور بکرے کی بو لیے فارس آ گئے، جہاں اسے جھکنا چاہیے. محمد خدا کا پیغمبر، اسے یہ اختیار کس نے دیا؟ خدا نے محمد کو انسانوں پر رحم کر کے بھیجا ہے. عیسیٰ کے انتقال کے 600 برس بعد، جب یوروپ کا برا وقت چل رہا تھا اور ہر طرف پراچین سبھیتاؤں کا پتن ہو رہا تھا، عرب میں مکہ میں محمد کا جنم ہوا. مکہ اس سمے ایک سمپن تجارتی شہر تھا جس پر وہاں کے سوداگروں کی حکومت تھی. ان کی دولت ایک خاص روایت کی وجہ سے بڑھتی جاتی تھی. وہاں دیوتاؤں کو ان کے گھر میں رکھا جاتا تھا. ہر سال وہاں کے بڑے میلے کے دوران
रेगिस्तान के तमाम पुजारी अपने देवताओं के बुत और तस्वीरें वहां लाते थे काबा में उनको रखने के लिए। काबा जो किसी समय इब्राहिम की सबसे मुकद्दस इबादतगाह थी अब बुत परस्ती का घर बन चुकी थी, जहां 360 से भी ज्यादा मुख्तलिफ देवता थे। सन 610 ईस्वी में मक्का। आज की गिनती की उमैया? अभी नहीं, पर इस साल तो देवता सोना है। और देवताओं और मुनाफों के बीच तुम्हारी तो चांदी है। और काबा में रखने के लिए और ज्यादा देवता। सीरिया का कारवा। लगता है दौड़ते आ रहे हैं, बहुत प्यासे हैं। उत्तर के कुओं पर और आदमी रखने पड़ेंगे। उनके लिए कितनी भेड़े मारनी होंगी? 70? 100 दे दो उन्हें। मेहमान नवाजी में मक्का का नाम बना रहना चाहिए। और 10 मेमने सरदारों के लिए। रोटी और पानी। मेहमान शहर के खिदमत में हाकिम के घर, जहां अशारो अल्फाज जिबा होना हर शब्द की कहानी। और रोटी कसम से इतनी पतली जितना पानी। अरे थोड़ा हटो, जगह बनाओ भाई शायरी के कदरदानों अबू सफयान के लिए, जो कि क्या कहते हैं, तमाम फनों को पनाह देते हैं। जब अबू सफयान शायर को दावत देते हैं, मोहब्बत और खुशी उनके अजीज होते हैं। जहां मैं के दौर चलते हैं और जहां शेरों का कोरमा होता है, तमाम जश्नो मौसिकी का आगाज होता है। जब अबू सुफयान शायर को दावत देते हैं। आइए मोहतरमा, चीन का असली रेशम मोहतरमा, पहनने में बेहद आराम दे और मोहतरमा तवज्जो दे, देखने में शानदार। ठीक है, 7 गज 20 दिनार। अबू सुफयान की बीवी के लिए 15। सोना अच्छा है, काबा के देवताओं की भी जरूरतें हैं, रख रखाव है। वो कौन वहां खड़ा था जिसने मेरी आत्मा तक में झांक लिया? मुझे यहां से ले चलो। मोहम्मद यहाँ आता ही क्यों है? आप उसे रोकते क्यों नहीं? वो आपका भतीजा है। हो सकता है वो बदल जाए। बदल जाए? वो 40 साल का है। ये अजीब है, एक अमीर बीवी के साथ वो मक्का में बेहतरीन जिंदगी बिता सकता था, मगर उसे ठिठुरते हुए गुफा में रहना पसंद है। ये बिल्कुल अजीब है। उस आदमी के लिए जो हमारी सेहत बनाए रखने वाले हेलुसा, हमारी संपन्नता के देवता मन्नात, और
अल्लात हमारे पारिवारिक कबीले के देवता, और हुबा, हुबा जो हमारे कारवां को चलाते हैं, हमारा नसीब बताते हैं, इनको गुस्से से नहीं डरता। देवताओं के कानों के नजदीक उन्हें चुनौती देना खतरनाक है। ये ठीक नहीं है, बगावत है, बेइज्जती है। हाँ, मुझे डर है मोहम्मद कहीं अपना नुकसान न कर बैठे। मेला खत्म हो जाने पर मैं हमेशा गमगीन हो जाता हूं, शायद अगला मेला मैं ना देख पाऊं। अबू-तालिब, अबू-तालिब, जरा सांस तो ले लो जाहिद। मोहम्मद अभी पहाड़ से लौटे कि नहीं? वो 3 दिन से वहीं है। हैं? नहीं, हमने नहीं देखा उसे। हदीजा ने सोचा वो घर जाते समय आपके पास आए होंगे। वो अभी ऊपर है। 3 दिन। मुझे उसके पहाड़ पर रहने से फिक्र हो रही है, क्योंकि मैं नहीं जानता इसका मतलब क्या है। कुछ लोगों को पहाड़ पर से दुनिया ज्यादा ही अच्छी तरह दिखती है। मोहम्मद, पढ़ो। अपने खुदा के नाम पर जिसने आदमी को खून के कतरे से बनाया, जो लोगों को वो सिखाता है जो वो खुद नहीं जानता। पढ़ो। वो कंबल में भी कांप रहे हैं, लेकिन वो बोले, जाहिद, पहाड़ पर मेरे भतीजे के साथ क्या हुआ? वो अकेले थे गुफा में, अचानक एक फरिश्ता उनके पास आया। फरिश्ते ने कहा, पढ़ो। मोहम्मद ने जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। फरिश्ते ने फिर कहा, पढ़ो। अपने खुदा के नाम पर जिसने आदमी को खून के खतरे से बनाया, जो लोगों को वो सिखाता है जो वो खुद नहीं जानता, पढ़ो। कौन जाने कि वो जिब्राइल था, यह एक सपना भी हो सकता है। जब मोहम्मद पहाड़ से नीचे आ रहे थे, उन्होंने जिब्राइल को इंसान की शक्ल में साफ देखा, उफक पर खड़े हुए। जहां भी उन्होंने देखा, जिधर भी उन्होंने गर्दन घुमाई, उन्हें ही देखा। और जिब्राइल ने फिर उनसे कहा, मैं जिब्राइल हूं और तुम मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हो। उसने ये किस किस को बताया? अपनी बीवी और अली और अपने दोस्त अबू बकर को। और तुम्हें? मैं तो उनका गोद लिया बेटा हूं। ख्याल रखना अगर तुम किसी को बताते हो, उससे कहना कि उसका चाचा जिसने बचपन में उसकी हिफाजत की थी, वो अब भी उसकी हिफाजत करेगा। आखिर वो कहता है मूसा के खुदा ने जलती हुई झाड़ियों में से उससे बात की थी। अब
अगर तुम अपने भतीजे को नहीं रोकोगे तो फिर हम रोकेंगे। वो शहर को भड़का रहा है, झोंपड़ी को घर के खिलाफ, और पीढ़ियों को भड़का रहा है, बच्चों को वालदेन के खिलाफ। जवान सुन रहे हैं उसकी बात, वो जवानों को भा रहा है। हम अरबी हैं, हम अपने वालिद का हुक्म मानते हैं, हमारे बच्चे हमें नहीं सिखा सकते। हम कैसे मान लें कि जिससे हम कल तक सड़क पर मिलते थे वो आज खुदा का पैगंबर बन गया है? वो कहता है कि मरी हुई हड्डियों में फिर से जान आ सकती है, क्योंकि जिसने आदमी को बनाया है वो उसे मौत के मुंह से भी वापस ला सकता है। वो कहता है देवताओं ने हमें छोड़कर अपनी इनायत किसी और शहर पर कर दी तो उससे कहो हम उसे ओहदा, रुतबा और काबा की चाबियां देंगे और पैसा जितना वो चाहे। उससे कहो वो जो चाहता है हम देंगे। मोहम्मद, अपने को और मुझे परेशानी में मत डालो। एक बूढ़े आदमी पर इतना बोझ मत डालो कि वो सह न सके। मैंने तुम्हें बचपन में गोद में खिलाया है, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं देख सकता। अगर तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। उसने मुझसे कहा चाहे वो मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें, मैं अपना पैगाम नहीं छोड़ूंगा जो कि खुदा से आया है। मेरे मरने के बाद जो मर्जी करना, पर जब तक मैं जिंदा हूं तुम अपने वालिद का हुक्म मानोगे? तुम वालिद को क्यों परेशान करते हो? अगर मैं हर दिन शराब पीऊं, हर रात पासे खेलता रहूं, तब वे समझेंगे मेरे जज्बे बुलंद हैं? तब मैं तुम्हें ज्यादा अपना भाई समझूंगी। तुम सब मेरे बच्चे हो। मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया जो दे सका, पर लगता है वो काफी नहीं। मोहम्मद मुझे और ज्यादा देते हैं, सारी दुनिया को ज्यादा देंगे। इसे बाहर निकाल दीजिए अब्बू। सिर्फ वलीस की बात नहीं है, वो हमारे अब्बा हैं। तुम उन्हें दुख देते हो। सुनो हुदैफा, रुको। कैसे कह सकते हैं कि ये नई खोज है वसाब, जबकि इसमें कुछ नया नहीं है? मक्का में ये नया है। फिर भी खुदा ये सबसे पहले कह चुके हैं, नूह से, मूसा से, ईसा से, सभी पैगंबरों से, पर लोगों ने उसे बदल दिया, घुमा दिया, भूल गए। अब खुदा ने मोहम्मद को फिर बताया है और ये नया हो गया फिर से। कौन है? जाफर। ये क्या लाए हो? हूबहू अल्लाह के बताए लफ्ज। जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब तारे बिखर जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब 10 महीने की हामला ऊंटनियां अपने हाल पर छोड़ दी जाएंगी और जब जंगली जानवर समेट कर इकट्ठे कर दिए जाएंगे और जब समंदर आग हो जाएगा और जब जाने जिस्मों से जोड़ दी जाएंगी और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा कि वो किस कसूर में मारी गई और जब लेखा जोखा खोला जाएगा और आसमान का पर्दा उठा दिया जाएगा और जब जहन्नुम दहकाई जाएगी और जन्नत करीब ले आई जाएगी
उस वक्त हर शख्स को मालूम हो जाएगा कि वो क्या लेकर आया है। तुम वहां थे जाफर जब खुदा ने उन्हें ये लफ्ज बताए? सुबह होने वाली है। अमार, पहले तुम, फिर तुम जाफर। अमार, तुम्हारी मां फिक्र में रात भर जागती रही। मैं माफी चाहता हूं। कहां थे तुम? फिर मोहम्मद के पास गए थे? अब क्या होगा? इसे माफ कीजिएगा, मेरी गलती थी, मैंने किया। उस देवता ने जिंदगी भर हमारी मदद की मगर वो गिर गए, वो अपने ही मदद नहीं कर पाए। कैसी बातें सीख रहे हो तुम? असली खुदा दिखाई नहीं देता, वो मिट्टी का बना हुआ नहीं होता। मगर हम काबा में देवताओं को रोज देखते हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम उनकी बातें सुन रहे हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। मैं मोहम्मद को सुन रहा हूं मां। मोहम्मद दरिया दिल है, ठीक है, सबको देता है, सबसे बांटता है, हर एक से मुस्कुराकर मिलता है, मगर वो खतरनाक ख्याल फैला रहा है। खतरनाक ख्याल कि कोई भूखा ना रहे, कि अमीर गरीब को धोखा ना दे, ताकतवर कमजोर को दबाए नहीं, ये खतरनाक ख्याल है। लड़कियों की जबरदस्ती शादी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें चुनने या मना करने का हक होना चाहिए। अभी रात ही उन्होंने कहा कि नवजात बच्चियों को दफनाना रुकना चाहिए। मैं तुम्हारी मां के साथ हमेशा हमेशा खुशनसीब रहा। हां, पर तुम जानते हो यासर, मैं और तुम मिले ही ना होते और तुम पैदा ना हुए होते। मुझे दफनाया जाना था मेरी दो बहनों की तरह, मगर मेरे वालिद ये नहीं कर सके। वो ये तीसरी बार नहीं कर पाए। जब दूसरी लड़की को वो उस पर रेत डाल रहे थे, उसने उनकी उंगली पकड़ ली जैसे बच्चे पकड़ लेते हैं। उन्होंने अम्मी को बाद में बताया, वो करीब एक मिनट तक पकड़े रही। जब उसकी नाजुक पकड़ ढीली हो गई, तभी उनकी अपना हाथ हटाने की हिम्मत हुई। जब मैं पैदा हुई, वो घर से बाहर निकल गए ये कहते हुए कि वो फिर एक बार ये नहीं कर सकते, वो फिर कभी ऐसा नहीं कर पाए। सुमाया, ये रिवाज है। पर ये गलत है। जो देवता ये सब होने देते हैं वे देवता नहीं है। मैं वादा करता हूं, मैं मोहम्मद के घर जाऊंगा, हम वहां इबादत करेंगे। हाँ, वो अच्छे आदमी है। हाँ ठीक है, तुम जाओ।
लोग उसका पीछा कर रहे हैं। पढ़ो, मोहम्मद ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है, पर वो बोल तो सकते हैं। क्या कहा? बोल सकता है? हाँ, बोल तो तुम भी सकते हो, तो बोलो, बताओ मोहम्मद क्या कहता है। ये खुदा के लफ्ज हैं, उनके नहीं। किस खुदा के? कैसे लफ्ज? बोलता खुदा? तुम्हारा मोहम्मद अपने आप से बोलता है। जब खुदा अपना पैगाम मोहम्मद पर जाहिर करते हैं तो उन्हें हर लफ्ज याद हो जाता है और वो उन्हें बताते हैं जो लिख सकते हैं। यही कुरान है। मोहम्मद को भूख के मारे सपने आते हैं, वो आंखें मूंद कर कंबल के अंदर छिप जाता है। उनकी आंखें बंद हैं, मगर दिल खुला है। एक लात जमाओ इसे। कोई फायदा नहीं। क्या मोहम्मद को मालूम नहीं कि हम देवताओं को घर देकर ही जीविका चलाते हैं? हम काबा के मालिक हैं। हर साल अरब के तमाम कबीले यहां पूजा करने और हमसे खरीदने आते हैं। अब अगर हमारे पास 300 देवताओं की जगह सिर्फ एक खुदा हो जिसको हम देख भी नहीं सके और जो पता नहीं ताइफ में हो या मदीना में या मेरे घर में, यरूशलेम में या चांद पर, फिर मक्का का क्या होगा? देवता हमारी इबादत भी हैं, कमाई का जरिया भी। खुदा को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। लड़के, तुम कोड़े के नजदीक ही हो। अमार बेटा, समझदार बनो। मेरा एक सवाल है। मोहम्मद तुम्हें सिखाता है एक गुलाम अपने मालिक के बराबर है। ये काला बिलाल जिसके लिए मैंने कीमत अदा की है मेरे बराबर है। हाँ, मोहम्मद कहते हैं अल्लाह के आगे सब वैसे ही बराबर हैं जैसे कंघे के दांत। ओहो, गुलामों और भिखारियों के लिए ये खुशनुमा ख्याल होगा, ये उन्हें हक का एहसास देगा। बिलाल, इसे समझाओ कि मक्का के आका और गुलाम में क्या फर्क है। वो कोड़ा लो, इसके मुंह पर बरसाओ ताकि इसे सबक मिले। कोड़े लगाओ, कोड़े लगाओ। काट डालो। कोड़े लगाओ। जल्दी करो। उनका हुक्म मानो, वो तुम्हें मार डालेंगे। देखा कैसी बदमनी फैलाते हैं ये, हमारे गुलाम उत्तक को भड़का दिया है। अगर तुम्हें इतनी इंसानियत है कि तुम देवताओं को मानते हो तो याद रखो, वो देवता तुम्हारे मालिक के हैं। जब मैंने तुम्हें खरीदा था बिलाल, तब मैंने तुम्हारी इंसानियत भी खरीद ली थी। अब तुम सुधार दिए जाओगे। एक खुदा है, खुदा एक ही है। कौन ज्यादा ताकतवर है, तुम्हारा मालिक या तुम्हारा एक खुदा? एक खुदा, खुदा एक ही है। पत्थर लाओ। ए खुदा, कुचल दो। दबा दो। काम खत्म हो गया? खुदा एक ही है। कौन कह सकता है कि ये तकरीर कर रहा था? एक खुदा। नौजो माया, अबू बक इस गुलाम के 100 दिनार देगा। रुको,
गुलाम को सुधारते समय उसे बेचना हमारे मासवी तरीकों के खिलाफ। पेशकश नौ दुमाया से की गई। 200। अगर गुलाम की कीमत बढ़ाई जाती है तो अगले साल हमें ही बर्दाश्त करनी होगी। ले जाओ, अब वो मेरे किसी काम का नहीं। इसे बाहर डालो या ले जाओ, मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं। हम लोग ऐलान करने जा रहे हैं। खुदा ने पैगंबर से सभी आदमियों पे इस्लाम जाहिर करने को कहा है। खिड़कियां खोल दो, सारी दुनिया को सुनने दो। हम अंधेरे से बाहर आ रहे हैं। दुनिया वालों, खुदा के लफ्ज सुनो, खुदा के पैगंबर को सुनो। अल्लाह के सिवा दूसरा कोई खुदा नहीं है और मोहम्मद उनके पैगंबर है। अल्लाह के सिवा दूसरा कोई खुदा नहीं है और मोहम्मद उनके पैगंबर है। हम लोग रोशनी में आ चुके हैं। काबा की ओर इस जुलूस में हमारे साथ चलो। अल्लाह सबसे मेहरबान है। अल्लाह सबसे मेहरबान है। उसकी कोई शक्ल नहीं है। हम रोशनी में आ गए हैं। हमारे साथ जुलूस में काबा चलो। मोहम्मद और उसका बागी इस्लाम हमारे देवताओं को नापाक करने और हमारे मजहब को हटाने के लिए आ रहे हैं। उन्हें काबा मत पहुंचने दो, उन्हें बाहर फेंक दो, अपने देवताओं की हिफाजत करो। पस्त कर दो उन्हें। बस इतना काफी है। ज्यादा करने पर इनके साथ लोगों की हमदर्दी बढ़ेगी। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। कहो वो सब जो यकीन नहीं रखते। मैं इसलिए इबादत नहीं करता कि तुम करते हो, हटा दो, और न तुम इसलिए कि मैं करता हूँ। वो गिरा पैगंबर, मोहम्मद को खत्म, पैगंबर को बचाओ। खुदा के पैगंबर कोने में चले जाइए। हमजा,
तुम बहादुर हो। यह रेगिस्तान का सबसे बहादुर आदमी है। जिनसे मिलता है वो आदमी नहीं है। मोहम्मद झूठा है। झूठा? लेकिन तुमने उसे बोलने कहां दिया? सच कहां है और झूठ कहां है जब वो बोला ही नहीं? तो मोहम्मद धोखेबाज है। उठो, हिम्मत है तो वापस मारो। मैं भी उनके मजहब का हूं और मैं वही कहता हूं जो ये कहते हैं। जिसकी हिम्मत है मुझसे लड़े। मोहम्मद, जब मैं रात को रेगिस्तान में शिकार करता हूं, मैं जानता हूं कि खुदा को घर के अंदर नहीं रखा जाता। कौन सोच सकता था कि हमजा जो शराब पीता है और शेर का शिकार करता है, आकर मोहम्मद के साथ शामिल हो जाएगा। जितना हम उन पर हमला करते हैं उतना ही लोग उससे जुड़ते जाते हैं। उसे ये लफ्ज मिलते कहां से हैं? पता नहीं। आखिर कैसे एक बेपढ़ा लिखा आदमी पहाड़ पर जाता है और 3 दिन बाद फर्राटे से शायरी करता हुआ वापस आता है? अगर ये सिर्फ शायरी होती। वो कहता है कि ये खुदा है जिसकी ताकत को हम समझते नहीं, उससे कैसे लड़ सकते हैं? मोहम्मद जन्नत मिलने के और आसमान में दरख्तों के वायदे करता है, तो जाहिर है उसे सुनने वाले मिल ही जाते। तो हम इन सुनने वालों की सुनने में दिलचस्पी कम कर देंगे। शुरुआत कमजोर लोगों से करेंगे। अब तुम चलो। जोर से खींचो। तुम्हारा देवता कौन है? जवाब दो। बोलो बोलो, कौन है तुम्हारा देवता? बोलो। खुदा सिर्फ एक है और मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। Thank you.
अमार, तुम्हारे वालदेन इस्लाम के लिए सबसे पहले शहीद हुए हैं, उन्हें जन्नत मिलेगी। तुम लोग आखिर कितना बर्दाश्त करोगे? पैगंबर ने कहा है हमें मक्का छोड़ देना चाहिए। अगर तुम रुके रहे तो वो तुम्हें एक एक करके मार डालेंगे। मोहम्मद कहते हैं अबासीनी हमें एक ईसाई बादशाह है, उसके मुल्क में कभी किसी के साथ गलत नहीं होता। तुम्हें जाना चाहिए आज ही। सवार का शुक्र है, चलो। हमें उनके निशान मिल गए, हमने उनका पीछा किया पर वो अचानक गायब हो गए। वो वहीं थे रेगिस्तान के बीच गिद्धों के नीचे और तुमने उन्हें भाग जाने दिया। भाग जाने दिया? अरे वो गायब हो गए। मोहम्मद वहीं रुक गया है, सिर्फ कमजोर लोग गए हैं। कमजोर या ताकतवर, वो हमें बदनाम करेंगे। कौन ईमानदार सौदागर हमसे तिजारत करेगा? हमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। अबासीनिया, आमर, तुम तो शाह आनाजासी के दोस्त हो ना? हाँ। तुम इस दोस्ती का इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे लगता है मैं उन्हें वापस ला सकता हूँ। हाँ। अबासीनिया उठो अमर।
ऐसा कुछ नहीं जो तुम मांगो और हम ना दें। ट्यूडर के शेर, मैं समझ नहीं पा रहा कहां से शुरू करूं। हमारी दोस्ती है, वहीं से शुरू करो। कुछ भागे हुए गुलाम हमसे बचकर आपकी सल्तनत में आ गए। गुलाम वापस चले जाएंगे, पर तुम हमारे गुलाम हमें लौटा देना। दरअसल उनमें कुछ आजाद लोग भी हैं, बागी। बागी? अगर अरब में कुछ गड़बड़ थी तो मुझे खबर क्यों नहीं दी गई? वो मजहबी बागी हैं। कभी ना कभी तो सभी मजहब बागी रहे हैं। उनके जिस्म इस दुनिया में गुलाम हैं और हमारी मर्जी पर हैं। मगर जैसे जीसस क्राइस्ट हमारा चरवाहा है, वैसे ही इंसानों की रूहें उसकी भीड़े हैं। वो अरबी हैं जिन्होंने अपनी पुश्तैनी मजहब के खिलाफ बगावत की है। वे एक सनकी को मानते हैं जिसे वो रसूल कहते हैं। लेकिन उनकी बात सुने बगैर हम रूहों को जंजीरें नहीं पहना सकते। बढ़िया है, ये अखड़ा भी इन्हें सूली चढ़ा देंगे। तुम अपने रसूल के आगे सिर नहीं झुकाते? मोहम्मद एक इंसान है, हम सिर्फ अल्लाह के आगे सिर झुकाते हैं। मोहम्मद के करिश्मे क्या है जाफर? अगर वो पैगंबर होते तो करिश्मों से आसमान को रोशन कर देते। वाकई ये सच है, खुदा ने अपने पैगंबरों को चमत्कार दिए हैं कि हम उन्हें पहचान सकें। मोहम्मद का मुजजा मुकद्दस कुरान है। किताब, एक किताब, एक बेपढ़े लिखे की लिखी हुई और खुदा के नाम पर। बस शहंशाह बहुत सुन चुके। जब खुदा ने प्रिंसिपल्स के सिरों में आग की जुबानें लगाई थी जिससे वो दुनिया की तमाम जुबानें बोल सकें जो उन्हें पहले नहीं आती थी। मगर क्या ऐसे चमत्कार हमारे जमाने में होते हैं? बस मैं काफी सुन चुका, तुम्हारी दलीलों में दम नहीं। जब हम मक्का में सताए जा रहे थे तब मोहम्मद ने हमसे आबासीने जाने के लिए कहा था, जहां का बादशाह इंसाफ पसंद है और जहां किसके साथ गलत नहीं होता। जिसे ये सताना कहते हैं वो सही सजा थी। तुम्हारे रसूल ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा? क्योंकि आप एक खुदा की किताब को मानते हैं जैसे हम मानते हैं। उन्होंने हमें भेजा कि आपके दिल में मौजूद खुदा हमारी हिफाजत करेगा। इनसे बात करना मरीचिका से पानी निकालने जैसा है। मगर अब इन्हें सुनना मेरा फर्ज हो गया है मेरे दोस्त। बोलो। बरसों से हम लकड़ी और पत्थर की हमारी अपनी बनाई हुई खुदा की शक्लों की पूजा करते आए हैं। हम खुदा से अनजान थे, हमारे पास कुछ जमीनी देवता थे, कुछ जन्नत का खुदा नहीं था। हम ये कदर नहीं करते गरीब की, उस कुदरती रहम की जिससे वो अपने भाई को जब वो गिर जाए तो उठा लेता है। ये कहते हैं कि वो समाज के तौर तरीकों को गड़बड़ कर रहा है। ऐसी अमानविता के बीच एक आदमी आया है जिसको खुदा ने चुना है और हम उसे ही मानते हैं। तुम जज्बाती हो रहे हो, अपने आप को संभालो। मैं खुदा के पैगंबर के बारे में बोल रहा हूं। मोहम्मद हमें एक खुदा की इबादत करना, सच बोलना, अपने पड़ोसियों को अपने जैसा प्यार करना और खैरात देना सिखाते हैं। मुस्कान भी खैरात हो सकती है। वो बस सलूकी से औरतों को बचाना, अनाथों को पनाह देना
और लकड़ी और पत्थर के देवताओं से मुंह मोड़ लेना भी सिखाते हैं। मैं देवताओं का यह अपमान चुपचाप सहन नहीं कर सकता। हमारी तहजीब पुरानी है। हमारे देवताओं को लकड़ी और पत्थर कहना उनके बारे में अज्ञानता से बोलना है। हम बुद्ध की शक्ल की पूजा नहीं करते, बल्कि उस शक्ल में जो रूह रहती है उसे पूजते हैं। मैं मानता हूं कि बुद्ध परस्ती को अक्सर सही तरह से समझा नहीं जाता। शुक्रिया। हां, अब जरा इनसे औरतों पर बात कर लूं। खुदा ने औरतों को आदमी के मुफीद साथी के रूप में बनाया है। वो अलहदा है मगर बराबर है। बराबर? अरे हम उन्हें खरीदते हैं, उन्हें खिलाते हैं, पहनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। औरत हमारे बराबर? खुदा ने इंसान को एक आदमी और एक औरत से बनाया है। तुम्हें हर औरत में कम से कम उस कोख की तो इज्जत करनी चाहिए जिसने तुम्हें पैदा किया है। तुम्हारे 300 देवता इतने चुप क्यों हैं, जबकि उसका एक खुदा इतनी रवानी से बोल रहा है? खुदा ने पहले भी हमसे बात की है, इब्राहिम, नूह और मूसा और ईसा के जरिए। तो हम इतने अचंभे में क्यों हैं जब खुदा ने मोहम्मद के जरिए हमसे बात की है? तुम्हें यह नाम किसने बताया? ये नाम कुरान में है। मैं मोहम्मद को तब से जानता हूं जब वो चरवाहा और भेड़े चराता था। और हम क्राइस्ट को बढ़ई के रूप में जानते हैं। हमारे क्राइस्ट वही कहते हैं जो तुम्हारे मोहम्मद कहते हैं। तो ये एक ही चिराग की दो किरणों की तरह है। वो आपको रोशनी लगते हैं, वो क्राइस्ट को नहीं मानते। वो कहते हैं आप तीन देवताओं की पूजा करते हैं, बाप, बेटा और मुकद्दस रूह। तुम क्राइस्ट के बारे में क्या कहते हो? वो कहते हैं खुदा के बेटा नहीं हो सकता, क्राइस्ट खुदा का बेटा नहीं है। मुझे क्राइस्ट के बारे में बताओ। हम क्राइस्ट के बारे में वो कहते हैं जो हमारे पैगंबर ने हमें सिखाया है। वो ये कि खुदा ने अपनी पवित्र आत्मा को एक मेरी नाम की कुंवारी की कोख में शक्ल दी, उसने पैगंबर क्राइस्ट को जन्म दिया। उसने पैगंबर कहा बेटा नहीं। तुम्हारा कुरैशमा, तुम्हारा कुरान जीसस क्राइस्ट के जन्म के बारे में क्या कहता है? मैं उन्हीं लफ्जों में बताऊं। मेरे नजदीक आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी किताब से मेरी की कहानी बताता हूं, कैसे वो अपने परिवार से दूर मशरिक की किसी जगह पर चली गई, कैसे हमने उसके पास अपने फरिश्ते जिब्राइल को भेजा। मैं तुम्हारे खुदा का पैगंबर हूं, तुम्हें एक मुकद्दस बेटा पैदा होगा ये बताने के लिए। उसने कहा मैं मेरी कैसे एक बेटे को जन्म दे सकती हूं जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ भी नहीं। जिब्राइल ने जवाब दिया क्योंकि तुम्हारा खुदा कहता है इसलिए यह होगा। हम उसे इंसानों में अपनी निशानी और हमारी ओर से रहम के रूप में नियुक्त करते हैं। यह उसकी मर्जी है जिसका होना तय है। हमारे और तुम्हारे बीच में जो फर्क है इस लकीर से बड़ा नहीं है। सोने के पहाड़ के बदले में भी मैं इनको नहीं सौंपूंगा। तुम अबासीने में जब तक चाहे सुकून से रह सकते हो और तुम पर खुदा की रहमत हो जब भी तुम वापस लौटो। ना काबिले बर्दाश्त, मोहम्मद हमारे विदेशी रिश्तों में भी गड़बड़ी पैदा कर रहा है। बहुत अच्छा, हम उसे विदेशी ही बनाएंगे। अबू तालिब हमेशा उसकी हिफाजत करता है। ठीक है, हम चचा और भतीजे दोनों को बाहर निकाल देंगे। हाँ, निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, एक ही साथ पूरा कुनबा बाहर। हम उन्हें अपने बीच से हटा देंगे। कोई सौदागर उनसे सौदा ना करे, कोई जमीन अब उनकी नहीं रही, उन पर अब किसी छत का साया नहीं, उनके लिए कोई नान भाई कुछ ना पकाए।
कोई औरत उसे शादी ना करे जब तक कि वो पैगाम ना छोड़ दें। बाहर निकालो। ये मोहम्मद की जिंदगी के सबसे कठिन साल थे। 3 साल तक वो खुले रेगिस्तान की भूख प्यास और कठिनाइयां झेलते रहे, लेकिन गमी वाला साल तो आना अभी बाकी था जब हदीजा 24 बरस तक जो उनकी बीवी रहीं गुजर गईं। बूढ़े अबू तालिब जो उनकी हिफाजत करते थे गुजर गए। आखिरी सांसें लेते वक्त उन्होंने मक्का और मोहम्मद के बीच सुलह की फिर कोशिश की। उसने तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक लफ्ज, एक खुदा। अगर ये सिर्फ एक लफ्ज का सवाल होता तो हम 10 लफ्ज देते, मगर जो लफ्ज वो चाहता है वो सारे देवताओं को उनकी जगह से हटा देगा। तुम उसकी बात सुनने से भी डरते रहे। अपने चचा की मौत के बाद मोहम्मद की हिफाजत करने वाला कोई न रहा। वह मक्का में महफूज नहीं थे। अपने गोद लिए बेटे जाइद के साथ अकेले ही पहाड़ी कस्बे ताइफ गए और वहां रहने और उपदेश देने की इजाजत मांगी, मगर ताइफ के बच्चे उनके पीछे छोड़ दिए गए कि वे पत्थर मार मार कर उन्हें वापस रेगिस्तान में खदेड़ दें। क्या कर रहे हो? रुको रुको, जाने दो, दूर हटो, रुको, अरे इन बच्चों को रोको, इन्हें वापस बुलाओ, ये पैगंबर को चोट पहुंचा रहे हैं। मोहम्मद ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे कड़वा दिन बताया। तभी करिश्माई तरीके से, जब मोहम्मद का पूरा अभियान नाकामयाब हो गया लग रहा था, उनके पूरे हालात ही बदल गए। एक संपन्न मगर बिगड़े हुए शहर मदीना से कुछ लोग आकर रात में आकबा पहाड़ी पर उनसे मिले और अपने यहां मुख्तलिफ गुटों के बीच सुलह कराने और लगातार चलने वाली आपसी लड़ाइयों को रुकवाने के लिए अपने यहां बुलाया। मोहम्मद मान गए, बशर्ते कि वे सिर्फ एक खुदा की इबादत करने का वचन दें। रुको, इस कसम को लेने के साथ ही हम बाकी अरब से अपने को अलग कर लेंगे, इसलिए रुको। इस कसम में जंग छिपी है, हम अपने भाइयों के दुश्मन बन जाएंगे, हमें अपने देवताओं को लकड़ी समझना होगा, ये मतलब है इस कसम का। इसे लेने के बाद फिर कोई वापसी नहीं है, क्योंकि मोहम्मद वाकई खुदा के पैगंबर हैं, जैसा कि हमारे शहर के यहूदियों ने पहले से ही बता दिया है। तो अगर इस कसम में किसी को कोई शक है तो वो अभी चला जाए, और अगर शक नहीं है तो वो करे जो मैं कहता हूं। मैं अपने आप को, सिर्फ खुदा को और मोहम्मद आपको, जो खुदा का पैगंबर है, समर्पित करता हूं। वो हमारे हैं, हम उनके हैं, वो अपने उम्मती यानी हमारे भाइयों को यहां मदीना लाए।
ये वो यात्रा थी जिसने दुनिया बदल दी। हिजरत यानी मदीने की यात्रा। सिर्फ 70 आदमी छोटे छोटे गुटों में बटे हुए रेगिस्तान में 250 मील चले। इस यात्रा के नतीजे इतने ठोस थे और इसका असर इतना पुरजोर था कि मुसलमान इससे अपना कैलेंडर शुरू करते हैं। इसी वक्त इस्लाम का मुस्तकबिल रोशन हो गया। मोहम्मद खुद मक्का में रुके रहे संगीन खतरों के बीच, जब तक कि उनके सभी अनुयायी महफूज निकल नहीं गए। मोहम्मद मुल्क बन गया है, उसे एक शहर मिल गया है जिसने कस्मे और करार किए हुए हैं। और सलूल, तुम जो अपने को मदीना का बादशाह कहते हो, कल रात सोते समय अपनी बादशाहत खो चुके हो। तुम अपनी फिक्र करो अबू सोफियान, हर बार जब तुम इत्र बेचने सीरिया जाते हो तुम्हें मदीने के उस आदमी के बगल से होकर जाना पड़ेगा। वो तुम्हारे तिजारती रास्तों के उस पार है एक तरह से। तुम्हारा क्या इरादा है? इंतजार करने का। और कब तक इंतजार करोगे? जब तक तुम और बाकी अरब उसे हटा नहीं देते, खुद अपनी जान बचाने के लिए। पर इंतजार क्यों करोगे? उसकी बात मान लेने के लिए। वो सोचता है मैं उसे अपना पैदाइशी हक दे दूंगा। नहीं, मदीना मजहब बदलने के लायक है। बनावटीपन, इसे अच्छा बनावटीपन कहो। बादशाह सलूल, वो क्यों दिन में 5 बार सिर जमीन पर रखकर इबादत करे? यकीन नहीं होता। उसे जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम वो करेंगे जो पहले ही करना चाहिए था, मोहम्मद को मार देंगे। आओ आओ, देखो, कहते हैं रियाज से महारत आती। सात लड़के अलग अलग परिवारों के, उनमें मेरा अपना बेटा भी, वो उसे एक साथ मारेंगे, एक साथ। जब उसकी मौत की जिम्मेदारी बट जाएगी तो गुनाह किसका? यह मेरा ख्याल है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें साथ दूंगा। मोहम्मद के जिस्म में बहुत कुछ है, उसका दिमाग, उसके लफ्ज। मगर ये एक बहुत ही बढ़िया हल है। और आखिरी भी। अली उसका चचेरा भाई उसकी जगह लेटा था मरने के लिए। हम लड़ किससे रहे हैं? वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता, सभी रास्तों पर निगरानी है। वो रेगिस्तान में ही जाएगा। जो आदमी मोहम्मद को या उसका सिर लाएगा उसे मक्का 100 ऊंट देगा। वो 3 होंगे, मोहम्मद, अबू बकर और नौरा खान। Thank you.
ये क्या है? ये चढ़ने वाले ऊंट नहीं है, इन्होंने खजूर खाया है। ये शहर के हैं। तुम यहां क्यों आए हो? मदीना उत्तर की तरफ है। निशान उन्होंने छोड़े हैं, मैंने नहीं। खाना बदोश मगरिब की ओर। मुझे अपना फन बखूबी आता है। लोग कहते हैं कि तुम हवा सूंघकर चिड़ियों का पीछा कर सकते हो। हम इसके साथ जाएंगे। जिंदा मक्का ले जाएंगे। मोहम्मद बाहर निकलो। वो अंदर नहीं हो सकते, ये जाला टूटा नहीं है और ये कबूतर घोंसला नहीं बनाते। हमें उनके पीछे नहीं आना चाहिए था। हमें जुनूब की तरफ बढ़ना चाहिए। अभी भी वक्त है, हम उन तक पहुंच जाएंगे। मकड़ी के जाले के चंद तारों का ही फासला था मोहम्मद और कत्ल के बीच, मगर उन्हें मौत अभी नहीं आनी थी। उनका बेदोइन गाइड उन्हें और उनके साथी अबू बकर को जून के उन तपते दिनों में रेगिस्तान के अनजान रास्तों से निकाल कर ले गया। मदीना में उन्हें मानने वाले उनके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन वो उनके सफर को लेकर डरे हुए भी थे। कुछ दिखा? नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने खुद कहा था कि वो इंसान ही है, इतनी गर्मी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाके कहीं छुप जाओ, हो सकता है मुझे तुम्हें आजाद करने का नाटक करना पड़े। Yeah.
شہر مدینہ میں آپ کا استقبال ہے، خدا کے پیغمبر یہ آپ کا شہر ہے۔ آپ میرے گھر میں رہیں خدا کے پیغمبر، میرا گھر مدینے میں سب سے اچھا ہے، میرے یہاں رک کر مجھے عزت بخشیے۔ سنیے، آخر پیغمبر اتنی ساری دعوتوں میں سے کسے قبول کریں گے؟ جہاں خدا ان کے اونٹ کو لے جا کر روک دے گا وہیں ہم ان کا گھر بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم ان کے اونٹ کاسوا کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جہاں کاسوا بیٹھے گا وہیں رسول رہیں گے۔ آدمی چالاک ہے، اونٹ جگہ چنے گا تو کوئی برا نہیں مانے گا۔ یہی ہم پیغمبر کا گھر بنائیں گے، اور پہلی بیٹھک کی جگہ عبادت گاہ، اسلام کی پہلی مسجد یہاں۔ خدا کے رسول یہ کیا کر رہے ہیں؟ اینٹیں لا رہے ہیں۔ لائیے مجھے دیجئے، دیکھیں آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیے، ہم کر لیں گے۔ دیکھو وہ اور لانے چلے گئے، وہ کہتے ہیں کام عبادت ہے۔ وہ 53 سال کے ہیں۔ اور آپ کتنے سال کے ہیں؟ Thank you.
कुछ कमी लग रही है, शायद एक घंटा लोगों को बुलाने के लिए। ईसाई लोग घंटे का इस्तेमाल करते हैं। भोपू के बारे में क्या ख्याल है? कर सकते हैं। या नगाड़ा? नहीं, नगाड़े में बहुत खून बहेगा। इंसान की आवाज क्यों नहीं, जैसा ओमाई में हतब में है? अगर रसूल राजी हो तो। वो तुम्हें कह रहे हैं बिलाल। मैं? हाँ, तुम्हारी आवाज अच्छी है, इस्तेमाल करो। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله भाइयों, आज एक मदीना का आदमी एक मक्का के आदमी को गले लगाएगा, जो भी है दोनों बराबर बांट लेंगे। उठो, अपने पड़ोसी को गले लगा लो एक भाई की तरह। मैं इन गुलामों को गले लगाने की सियासत से तंग आ चुका हूं। पढ़ो, पैगंबरों को सिर्फ ऊपरी दुनिया से ताल्लुक रखना चाहिए। मेरा बेटा कैसा है? इबादत कर रहा है घोड़े की तरह। इससे हाथ जलते हैं तुम्हारे? अगर इसे फाड़ नहीं डाला तो यह हमारे घर को जला डालेगा। वो बादशाहों की तरह कानून बना रहा है। वो कहता है कबायली परिवारों के लिए वफादारी से ज्यादा इस्लाम के लिए वफादारी होनी चाहिए। क्या सभी मुसलमान एक दूसरे के रिश्तेदार हैं? इसके धोखे पे मत आओ, इससे पहले हम कबीले के मायने बदल देंगे। खतरा तो यहां है, बराबरी। आदमी का पड़ोसी वैसा ही है जैसा वो खुद। वो पागल जो कहता है वो कर भी देता है। यहूदियों और ईसाइयों के मुसलमानों के बराबर हुकूक हैं। वो यहूदी जो हमारी दौलत से जुड़ते हैं उनकी हिफाजत की जाएगी। औरतों को भी विरासत का हक है, हक। इसके बाद वो ऊंटों के हकूक बताएगा। बताया बताया उस पागल ने, तुम उन पर ज्यादा वजन नहीं लाद सकते। वो शहर को फिर से बना रहा है, मेरे शहर को। बेड़ा गर्क हो उसका। उसने हमारे बेटों को हमसे छीन लिया, हमारा मुस्तकबिल ले लिया है, उसके हकूक, हमारी गलतियां। अब नहीं, इस बार कोई गलती नहीं। हर कीमती चीज जो वो मक्का में छोड़ गए हैं हम ले लेंगे। कालीन, घर, बर्तन, सब कुछ। और उनसे हम अपने डमास्कस के कारवां में इजाफा करेंगे।
दोस्तों सुनो, मैं मक्का की खबर लाया हूं। तुम जो मक्का में छोड़ आए थे सब गया, सब कुछ, अबू वक्र की दुकानें, रसूल का घर, सब बिक गए। हर बर्तन, कपड़ा और हर सामान जो कभी तुम्हारा था, सब बाजार में बिक रहा है। तुम सब मुफलिस हो गए हो। जो तुम्हारी अपनी चीजें हैं उनके लिए भी तुम नहीं लड़ते। कौन लड़ाई की बात कर रहा है? और क्या रास्ता है हमजा? पैगंबर जब कहेंगे हम लड़ेंगे। अभी वे कहते हैं अमन। बिल्कुल, तुम अमन पसंद लोग हो ना, मुआफी और सहनशीलता में गले तक डूबे हुए। काम पर वापस जाओ। हमें अपनी हिफाजत करनी होगी। आप खुदा के पैगंबर हैं। अगर वो हमें लूटते हैं, हम पर जुल्म करते हैं और हम कुछ नहीं करते, तो हम कायर हैं। लेकिन वो लालच से चलते हैं और हम खुदा के और आपके कहने से चलते हैं। मैं जानता हूं आप तलवार से नफरत करते हैं, पर हमें लड़ना तो होगा। उन्होंने हमारी जायदाद हड़प ली है और वो उसे डमास्कस ले जा रहे हैं हमारे दरवाजे के सामने से। मैं कहता हूं लड़िए और वापस लीजिए। माफ कीजिए, मैं जज्बाती हो गया था। ये मेरे सिर पर हथौड़े जैसा बज रहा है। मेहरबानी से उनसे लड़िए। लेकिन सूरज को देखो, अभी नमाज का वक्त तो नहीं हुआ। खुदा ने अभी अभी पैगंबर पर जाहिर किया है, लड़ो मगर खुदा की राह में उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, उन्हें उन जगहों से निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है, क्योंकि जुल्म ढाना मार काट से भी बदतर है। उनसे लड़ते रहो जब तक जुल्म मिट नहीं जाता और मजहब खुदा के लिए नहीं होता। पर अगर वे रुक जाते हैं तो फिर जंग रोक दो, क्योंकि खुदा जंग शुरू करने वाले को कभी प्यार नहीं करता। तो लड़ो खुदा की राह में उनसे जो तुमसे लड़ते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
یہ پابندیاں ہیں جو پیغمبر نے تم سب پر لگائی ہیں۔ تم کسی عورت، بچے یا بوڑھے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، تم اپاہجوں کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، تم کھیت میں کام کرتے آدمیوں کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، تم پیڑ نہیں کاٹو گے، تم صرف انہی پر وار کرو گے جنہوں نے تمہیں نکالا ہے، تمہارے حقوق چرا لیے ہیں اور تمہاری جائیداد سے خود امیر ہو گئے ہیں۔ تو چلو بدر کے کنوؤں کی طرف۔ مدینہ سے خبر ہے، ہتھیار ہتھیار اٹھا لو، ہتھیار اٹھا لو، اپنی دولت کی حفاظت کرو۔ محمد مدینہ سے نکل کر کاروا پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ کتنے آدمی ہیں؟ 300 اور 2 گھوڑے۔ ہم 100 گھوڑے لائیں گے۔ کتنے اونٹ؟ 70۔ ہم 170 لے جائیں گے۔ میرے 20 اونٹوں پر شراب لاد دو، ہم جشن کریں گے۔ یہ جنگ تو میں لڑنا چاہوں گا۔ ہمیں یہ جنگ ہارنی نہیں ہے۔ ابو سفیان کے کارواں کی اور دوڑ جاؤ، اس سے بدر کی اور مڑنے کو کہو۔ ہم کل پھر ملیں گے بدر کے کنوؤں کے پاس۔ بدر کے کنویں یہاں، محمد کی ٹولی یہاں، میرا کارواں یہاں، ایک دن کی دوری۔ کنویں پر ان سے ملوں۔ دال میں کچھ کالا ہے، میرے کارواں میں مکہ کا بہت کچھ ہے، خطرہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہم مغرب کی طرف جا رہے ہیں، کنوؤں سے دور۔ دور؟ دور کیوں؟ تمہیں ان سے بدر میں ملنا چاہیے، ہم انہیں آسانی سے پس کر دیں گے۔ اگر میں رات پر بھاگوں تو صبح تک میں محمد کے پاس سے باہر ہو جاؤں گا۔ اپنی آبرو سے منہ مت چھڑاؤ ابو سفیان۔ میری آبرو اونٹوں کی پیٹھ پر ہے۔ ہاں میں بھاگوں گا۔ Thank you.
मोहम्मद ने कुओं पर कब्जा कर लिया। ये सीधे हमारे निशाने पर आ गया है। पागल हो गए। अबू सुफियान ने खेमे उठा लिए, वो मगरिब की तरफ बढ़ रहा है, बदर से दूर। हमारा कारवा महफूज है तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं। नहीं लड़ोगे? अगर हम लड़ते हैं तो भाइयों के बीच खूनी रंजिश शुरू हो जाएगी। तुम्हारा मतलब है बाप और बेटे के बीच, जो मर गया क्योंकि तुम्हारा अपना बेटा उसके साथ है जिसके साथ उसे होना चाहिए था। मक्का तुम्हारे कुनबे से भी बड़ा है। वलीज तुम्हारा दूसरा बेटा, तुम्हारा अपना खून है। मैं कहता हूं लड़ो, हम आज में खड़े हैं, मुस्तकबिल अपनी फिक्र कर लेगा। होटबा कायर नहीं है। कल उन्हें खत्म कर देंगे, हम लड़ेंगे। तैयार हो जाओ, वापस अपनी जगह पर। हर आदमी अपनी जगह पर पहुंचे। ने कुओं को पाड़ दिया, अब हमें पानी चाहिए तो लड़ना होगा। अच्छा ठीक है, हम लड़ेंगे। अपने चुनिंदा लोगों को भेजो।
तुम कौन हो? हम अपने बराबर के या बेहतर लोगों की उम्मीद करते हैं। वापस आ जाओ। मेरा भाई शाइबा, मेरा बेटा वलीद और मैं। तुम नहीं। ओबेदा, मैं और अली। क्या हम तुम्हारे बराबर के हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलल्लाह। बना रहे हैं।
पैगंबर तुम्हें देख रहे हैं, तुम कैदियों को बांधोगे या खींचोगे नहीं? पर उन्होंने हमें रोका। उनकी रस्सियां काट दो, मैं कहता हूं उनके बंधन काटो और उन्हें पानी दो और उनके साथ खाना बांटो बराबर से, और अगर वे चलना चाहें तो उनके साथ चलो। और जो कैदी 10 मुसलमानों को पढ़ना सिखा सकता है उसे आजाद कर दिया जाएगा। जाते क्यों नहीं? क्योंकि वो मुझे गुनहगार मानते हैं हिंदा, क्योंकि मुझे उनके साथ होना चाहिए था और उन्हीं के साथ बदर के कुओं में डूब जाना चाहिए था। मैंने अपना कारवा बचा लिया और साथ ही अपना मुस्तकबिल भी। मुझे ये सब क्यों सुना रहे हो? क्यों मेरे वालिद और भाई का नाम मुझे सुना रहे हो? मुझे याद दिलाने की जरूरत है, मोहम्मद, अली, हमजा, अपने नाखूनों से हमजा, मैं तुम्हारे हर वार का जवाब दूंगी, अपने नाखूनों से। कातिल, कसाई, जानवर, खूनी दरिंदे, तुमने मेरे वालिद को मार डाला, हमजा, मैं शिकार करूंगी, शेर का शिकार। मैं हमजा को शेर की तरह अपना शिकार बनाऊंगी, और जब तुम मरोगे हमजा, मैं तुम्हारा दिल काट कर निकाल लूंगी, तुम्हारा खून पीऊंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। क्या है ये चीख पुकार? रोको, जो हमें करना चाहिए हम करेंगे। हम अपने दोस्तों को इकट्ठा करेंगे, नई फौज तैयार करेंगे उनके खिलाफ। इस बार हम पूरी तैयारी से काम करेंगे और योजना बनाकर करेंगे। हमजा, अय्या
الله أكبر لا إله إلا الله यहाँ छुट्टी है क्या? ये कैसे उल्टे पुल्टे शहर में हम आ गए हैं? यहाँ कोई भी अपनी जेबें आसानी से भर सकता है, कोई सौदागर अपनी दुकान नहीं देख रहा है। अल्लाह उनकी दुकानें देख रहा है। कहाँ से आ रहे हो तुम? यमन से। तुम मक्का में रुके थे? वो रास्ते में ही है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम मक्का में रुके थे? बस जितनी देर ऊंटों ने आराम किया। ऊंट दुनिया की किसी भी जगह से ज्यादा अच्छी तरह मक्का में आराम करते हैं ना। हाँ, रेगिस्तान में क्या खबर है? ओह, तुम्हारे लिए बुरी है। वो इकट्ठा हो रहे हैं। हर जवान जिसके पास तलवार है मक्का की तरफ जा रहा है। हमारी ताकत यहां है। उन्हें कम मत आंको। वो फिर से हिम्मत जुटा रहे हैं। मक्का के हर घर में संगीत है। आई गुलाम देखो, वो अच्छा है, खतरनाक है, उसे देखना। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, तुम्हारे वजन के बराबर चांदी दूंगी और तुम्हारी ऊंचाई जितना रेशम, सिर्फ ऐसे ही एक बार के लिए।
आखिर वो आ ही गए, उन्हें आना ही था। फौज बहुत बड़ी है, 3,000 आदमी, सैकड़ों घोड़े। हमने उन्हें बदर में हराया था। वो 1 साल पहले की बात थी, बदर का बदला लेने आए हैं। सब लोग अपनी तलवारें उठा लें। वो हमजा है, देख रहे हो? वही तुम्हारा खजाना है। ओबेदा, वो घुड़सवार जो किनारे खड़े हैं, किसके साथ हैं? वो खालिद के मातहत हैं। खालिद? हाँ, उसके बारे में कई बार सोचा है मैंने। हमजा! हाँ, रसूल पूछते हैं, उन घुड़सवारों को देखा आपने? हाँ देखा, मुझे ठीक नहीं लग रहे। वो उनके लिए 50 तीरंदाज भेज रहे हैं। कुछ भी हो जाए, तीरंदाजों को उन घुड़सवारों को रोकना ही होगा। जायद, पैगंबर से कहो हम तैयार हैं। क्या सोचते हो हमजा? वो हमसे ज्यादा है तो अच्छी लड़ाई होगी। वो हमें देखते हैं, हम उन्हें। जो सामने हैं उससे मैं कभी नहीं डरा। हम सब तैयार हैं। जब पैगंबर कहेंगे तब हम वहां चलेंगे। Thank you.
उन्होंने हमजा को मार दिया उनके पीछे। ये जीत का वक्त है, वो भाग रहे हैं, चलो लूटें। रुको, अपनी जगह आओ सभी आदमी, वापस आओ। सुनो, बीच की टुकड़ी गई, हम लड़ाई हार चुके खालिद। अभी नहीं, मैंने सोचा था कि हम हार गए, जीत तुम्हारी वजह से हुई खालिद। कोई जीत नहीं हुई जब तक मोहम्मद को खत्म नहीं करते, वो उन पहाड़ियों में है। हमारा काम तो खत्म हुआ, हमने बदर का बदला ले लिया। पर तुम उसे और इस्लाम को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो? उसके कुछ साथी अभी भी साथ हैं, वो पहाड़ में एकजुट होंगे, जोखिम बहुत ज्यादा है। हामिद सुनो, एक दिन के बदले एक दिन, बदर के दिन के बदले उहूद का दिन। हमारे मरने वालों ने तुम्हारे मरने वालों को जवाब दे दिया। हमारे मरने वाले
जन्नत में है, तुम्हारे दोजख की आग में है। हमजा, हमजा, मुझे सुन रहे हो हमजा? तुम जानते हो मैं तुम्हारे पास हूं, मैं हिंदा। तुम्हें कुछ याद है हमजा, कैसे तुमने मेरे वालिद और भाई को मारा था? अब तुम भी मर चुके हो, मेरा दिल हल्का हो गया है, सुनते हो हमजा? हल्का। पर मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, मौत तो बहुत कम है। चीर डालो इसे, काट डालो, काट दो। वे एक लड़ाई हार गए, फिर क्या किया? वे घर आए और जमीन खोदने लगे। पागल हैं। मैं मानता हूं वो समझदार नहीं हैं, बल्कि वो खुश हैं कि हार गए। वो कहते हैं हार खुदा ने दी है, उनका खुदा में यकीन मजबूत करने के लिए। बिल्कुल, वो आसमान के लिए लड़ रहे हैं, जो चाहिए वो उसे पा भी जाएंगे। उन्हें मक्का चाहिए और उन्हें मक्का मिलेगा जब हमें दोपहर में सितारे दिखेंगे। उनको कमबख्त को मैंने कुछ खोकर सीखा है दोस्त, मक्का उनके लिए घर से ज्यादा कुछ है। यहां खुदा ने इंसान से बातें की थी, मक्का जैसे उनके लिए बेचैन रूह का घर हो। इस साल वो तीर्थयात्रियों की तरह जा रहे हैं। क्या? बिना हथियारों के। बिना हथियारों के? अबू सफियान रेगिस्तान में उन्हें काट डालेगा। अगर तुम उनकी तरह खुदा में यकीन रखो तो मुमकिन है ना काटे जाओ। वैसे हो सकता है वो मारे भी जाएं। Yeah.
शांत रहो, धड़को नहीं, यही तो वो चाहते हैं। डट कर खड़े रहो। आपको अमन मिले। पैगंबर कहते हैं जो खुदा को प्यार करते हैं उन्हें खुदा को दी अपनी कसम दोहरानी चाहिए पेड़ के नीचे। इस बार किसी और को भेजा है। ये तो सुहेल है, मतलब किसी करार की गुंजाइश है। मोहम्मद, तुम्हें अपने और मक्का के बीच अमन के लिए शर्तें दे दी गई हैं, तुमने उन्हें मान लिया कि नहीं? ये क्या है? खुदा के नाम से जो सबसे मेहरबान है, कौन है ये नया खुदा जिसे वो मेहरबान कहते हैं? मैं नहीं जानता, इसे काट दो। मैं ये नहीं मानता, मोहम्मद खुदा का पैगंबर। अगर मैंने तुम्हें खुदा का पैगंबर माना होता तो तुमसे लड़ता ही नहीं। ऐसा कर दो, मोहम्मद वल्द अब्दुल्ला सोहेल वल्द अमान से करार करता है, यह ज्यादा ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक, यह बेहतर है। तो यह करार हुआ कि तुम अपनी तीर्थ यात्रा आगे नहीं ले जाओगे, वापस मुड़ो और घर जाओ। मक्का ही घर है। हालांकि तुम अपनी यात्रा अगले साल जारी रख सकते हो, सिर्फ 3 दिनों के लिए। हाँ, जाने से आने तक। तुम ये भी करार करते हो कि अमन 10 साल तक रहेगा।
इस दौरान तुम हमसे जुड़े किसी भी कबीले पर हमला नहीं करोगे, किसी कारवां या इंसान पर वार नहीं करोगे, और इसका उल्टा भी। अगर हम में से किसी को चोट पहुंचाए तो करार खत्म, इसका उल्टा भी। ठीक है? दस साल तक अमन, हमें इस वक्त की जरूरत है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये खतूत खुदा के पैगंबर मोहम्मद की ओर से हैं, दुनिया के बादशाहों को, दुनिया को इस्लाम की ओर बुलाने के लिए। बिज़ंतियम के शहंशाह हड़ाकिस को, फारस के शहंशाह किजरा को, और अलेक्जेंड्रिया के शासक मुकाकस को। अल्लाह तुम्हारे साथ है। इस्लाम में अलग अलग जातियां नहीं होती। एक अरबी एक विदेशी से ऊंचा नहीं है, और न एक गोरा आदमी काले से। खुदा के सामने सब बराबर हैं। जब तक तुम अपने पड़ोसी के लिए भी वही नहीं चाहते हो जो कि खुद अपने लिए, तब तक तुम्हारा खुदा में यकीन नहीं है। जो रात को पेट भर खाकर सो जाता है जबकि उसका पड़ोसी भूखा है, वो मुसलमान नहीं है। एक आलिम की स्याही एक शहीद के खून से ज्यादा मुकद्दस है। एक पढ़ता हुआ आदमी खुदा की नजरों में खूबसूरत होता है। तो पढ़ना सीखो, और जब सीख जाओ तो दूसरों को सिखाओ। जो लोग किताब को मानते हैं, यानी यहूदी जिनका टेस्टामेंट है और ईसाई जिनकी की बाइबल है, उनकी तुम्हें इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उनकी किताबें भी इसी तरह खुदा से आई थी। तुम्हें मोहम्मद को एक आदमी से ज्यादा नहीं समझना चाहिए। वो एक दिन लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। मैंने कहा मुझे करने दीजिए। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा आप खुदा के पैगंबर हैं, आप लकड़ियां बटोरने के लिए इधर उधर न भटकें। उन्होंने मुझे देखा, बोले खुदा अपने को दूसरों से ऊपर समझने वालों को पसंद नहीं करता। तो मैं पीछे हट गया और उन्हें देखता रहा। अचानक वो रुक गए, सीधे खड़े हुए और मेरे पास आए। बोले हां मैं खुदा का पैगंबर हूं, लेकिन यह मैं भी नहीं जानता कि खुद मेरा क्या होगा। हाँ मां, क्या तुम मुझे फिर से ले जाने आए हो? नहीं, मैं तो ये कहने आया हूं कि तुम मुझे ले चलो। मैं गवाह हूं, खुदा सिर्फ एक है और मोहम्मद
उसके पैगंबर। खुदा मुझे उस वक्त के लिए माफ करे जो मैंने आपकी मुखालफत में गुजारा। इस्लाम जो कुछ पहले हो चुका है उस पर गौर नहीं करता। माफ कीजिए, मैं ये पहनकर चला आया। ये मेरे जवाहरात, जो भी इनकी कीमत हो मैं गरीबों को देता हूं। और मैं ये भी। हां, पर तुम्हारे इस्लाम के खिलाफ सबसे तेज तलवार थी। अब खुदा की मर्जी से मैं खुदा की उठी हुई तलवार बन जाऊंगा। हाँ, ये खुदा के लिए बहुत आसान है। जैसे वो मरते हुओं को जिंदा कर सकता है, वैसे ही हारते हुओं को जिता सकता है। 2 साल पहले उस अमन के करार के वक्त हमने सोचा था हम हार गए। अब हमें देखो, लोगों के दिलों में फतेह पर फतेह करते जा रहे हैं। वो क्या? मेरी इस तरह बेइज्जती क्यों? मैं अबू सुफियान हूं। मैं थोड़े लिहाज की उम्मीद करता हूं। हमारे बीच जंग नहीं है, अमन का करार है। मैं मोहम्मद से बात करने आया हूं। कहां है वो? मस्जिद में। मोहम्मद, हमने करार नहीं तोड़ा, हम फिर उसे मजबूत करने आए हैं। मैं मक्का की ओर से बोल रहा हूं। मोहम्मद, जा क्यों रहे हो? जाओ नहीं मोहम्मद, जाओ नहीं। करार हमने नहीं तोड़ा है। रात अंधेरी थी। मैं तस्दीक करता हूं कि रात अंधेरी थी। बारा, ये तुम्हारा शहर है। हुदैफा, मैं कहता हूं मेरी बात तो सुनी जाए। मैं मक्का हूं, मैं मक्का का हाकिम हूं। क्यों मेरी इस तरह बेइज्जती की जा रही है? क्योंकि तुम वादा नहीं निभाते और कसम की इज्जत नहीं करते। मैंने वो सुना जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अबू सुफियान दया की भीख मांगते हुए। एक चरवाहे ने जंग में और चालबाजी में मुझे हरा दिया। तुमने उस चरवाहे का मजहब एक तिनके से बढ़ते हुए देखा? तिनका मेरी आंखों में था, मैं कुछ देख नहीं पाया। मक्का को बता दो देवता मर चुके हैं, खुदा की मुखालफत का कोई फायदा नहीं। तेजी से जाना, क्योंकि हर आदमी तुमसे थोड़ा ही पीछे आ रहा होगा। वो तुम हो जिसने करार तोड़ा है।
आज रात तक 10,000 लोग होंगे, हर कबीले के लोग। अब हम उनसे लड़ सकते हैं, तुम आ गए हो। सब रास्ते बंद कर देंगे और घरों की हिफाजत करेंगे। कोई फायदा नहीं, वह हजारों हैं और हर घंटे लोग शामिल हो रहे हैं। तुम कायर हो, इन्ना घर जाओ। तुम कायर हो, तुम मक्का के सरदार हो, खुद को देखो, तुम टूट गए हो। उन्होंने तुम्हें निगलकर वापस थूक दिया। मेरे वालिद और भाई मारे गए और शोहर भाग गया। तुम घर जाओ, तुम। हम उन्हें नहीं रोक सकते, मक्का चला गया। नहीं, नहीं, नहीं। हम आज रात यहां रुकेंगे। मैं मक्का देख सकता हूं, पहाड़ों के पार भी। कितने सारे चूल्हे जल रहे हैं, अनगिनत। कितना सुंदर नजारा है। जब हमने उन्हें मक्का से निकाला था, मैं नहीं जानता था वो मक्का अपने साथ ले गए। तुम्हें रोटियां बनाने की खुशबू आ रही है? हाँ, मतलब उनका लूटने का इरादा नहीं है, कम से कम मैं तो यही समझता हूं। मैं कह सकता हूं कि वो अपने ही दरवाजों और दीवारों पर खून तो नहीं देखना चाहेंगे। मुझे उनके पास ले चलो। तो तुम हमें शहर दे रहे हो? तुमने मुझे रोटी के लिए नहीं पूछा। समझा, हो सकता है कि तुम मुझे मारने का फैसला करो। जो कहने आए हो कहो। मैंने आपके चूल्हे जलते देखे और उनके गिर्द आदमी, और मैं जानता हूं उनके पास क्या ताकत है। मैं जानता हूं मैं उनको रोक नहीं सकता, तो अगर आप राजी हों। तुम्हारी हिम्मत हुई कि तुम यहां कर शर्तें लगाओ? अभी भी एहसास होने का वक्त नहीं आया कि मोहम्मद कौन है। मोहम्मद अभी भी मेरे दिल में शुभ हैं। अगर हम अपने सिर काट दे तो शुभ दूर हो जाएंगे। खालिद, किसी मजहब में जबरदस्ती नहीं होती। आदमी को कई साल लग सकते हैं या फिर सिर्फ चंद मिनट भी। वक्त का फैसला खुदा करता है, तो उसके शुभों की इज्जत करो। कहले गुलाम, सबसे अच्छे तालीम याफ्ता तो तुम हो। मैं तो वही हूं जैसा खुदा ने मुझे बनाया। अगर वो देवता जिनकी हम पूजा करते थे किसी काम के होते तो मेरी मदद करते। मैं बिना किसी दबाव के
ऐलान करता हूं कि खुदा सिर्फ एक है और आप उसके पैगंबर। चलता हूं। वो आ रहे हैं, वो तीन तरफ से आ रहे हैं। कुछ भी लूटा नहीं जाएगा, कोई चोरी नहीं होगी, किसी के साथ बदसुलूकी नहीं होगी। जो बंद दरवाजों के भीतर है वे सब महफूज है। सुफियान के घर में सभी महफूज है। कम से कम उन्होंने अपना कॉल निभाया, जबरदस्ती अंदर नहीं घुसे। वो दिलों में घुसता है, दीवारों में नहीं, जो कि स्थायी सतह है। मुझे बाहर जाने में डर लग रहा है। जाना होगा, हमें सामने आना होगा हिंद। हाँ, हमें पछतावा तो है। जैसे हम रहे उस पर, हाँ वो गलत था, हम अपनी ही गलतियों में गिरफ्तार थे।
हमारे देवता हमसे भी कमतर थे। वो देखो, वो काबा के भीतर जा रहे हैं। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا نے یہ گھر ابراہیم کو دیا تھا کہ یہ مقدس جگہ رہے۔ خدا کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو اور اس کے گھر کو صاف کر دو۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله۔ تو ایسا ہوا، محمد نے کوئی بدلہ نہیں لیا اور نہ اس کی اجازت دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مکہ مقدس جگہ ہے، کوئی بھی مکہ میں خون نہ بہائے، پیڑ نہ کاٹے، کسی بھی زندہ کو نہ مارے۔ نئے طور طریقے اور برتاؤ جیسے اسلام میں ہیں انہی کو اپنا لے۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں اپنا کام پورا ہوا دیکھ لیا، لیکن اب انہیں اپنی موت قریب ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ پیغمبر کا ایک بڑا کام ہونا ابھی بھی باقی تھا، وہ تھا مہر بنانے کا۔ انہوں نے سب کو اپنے پاس بلایا
اور انہیں خدا کی راہ میں چلنے کا اور انسان کے لیے انسانیت کا پیغام آخری بار دیا. اے لوگوں، غور سے سنو، اب میں زیادہ دنوں تک سب کے ساتھ نہیں رہوں گا. جو تمہارے بیچ کمزور لوگ ہیں انہیں اپنے کھانے میں سے کھلاؤ، انہیں وہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو. تم اپنے خدا سے ملو گے اور وہ تمہارے کیے گئے کاموں کا حساب کتاب کرے گا. جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان کو آگاہ کریں جو نہ موجود ہیں. تم سب آدم کی اولادیں ہو اور تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو خدا کو سب سے زیادہ مانتا ہے. جو میں کہتا ہوں اس پر گہرائی سے سوچو، اپنے سارے جھگڑے ختم کر دو. تمہیں جاننا چاہیے کہ ہر مسلمان ہر دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سبھی مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. مسلمانوں میں آپس میں کوئی جاتی یا قبیلے نہیں ہیں. تم اپنے بھائی سے کچھ نہیں لوگے سوائے اس کے جو تمہیں خود بخود دے دیا جائے. کسی کو دباؤ نہیں اور نہ کسی اور کو خود کو دبانے دو. میرے پیارے لوگوں، میں بھی انسان ہوں. ہو سکتا ہے موت کا فرشتہ جلد ہی میرے پاس آئے اور موت مجھ سے آگے نکل جائے، پر میں نے تمہارے لیے ایک کتاب چھوڑی ہے، قرآن، جو خدا نے ظاہر کی ہے، جو روشنی ہے اور راستہ دکھاتی ہے. تب انہوں نے آخری بار ظاہر کی گئی قرآن کو لوگوں کے سامنے دہرایا. محمد کے لفظ نہیں، اللہ کے لفظ. آج میں نے تمہارے مذہب کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے اپنا فرض پورا کیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو مذہب چنا ہے. 8 جون 632 کو اپنی عمر کے 63 سال میں محمد کا انتقال ہوا. ان کے کافی ماننے والوں کو اس کا یقین ہی نہیں ہوا. ایسا آدمی کیسے مر سکتا ہے؟ لیکن پیغمبر کے دوست ابو بکر مسجد میں کھڑے ہوئے، اگر کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. لیکن وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی مرتا نہیں. محمد کو مدینہ میں ان کی مسجد کے بغل میں دفنایا گیا. جو مذہب وہ سکھاتے تھے اس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی. وہ چلتا رہا اور بڑھتا رہا. لوگوں کا سیلاب ابھی بھی مکہ آتا ہے. اسلام کو ماننے والے اپنی روایتی سفید لباس میں سبھی خدا کے آگے برابر، سبھی اس عبادت گاہ میں ایک روح ہو کر قومی عبادت میں شامل. ایک اللہ. حي على الفلاح.